पिछले एक सप्ताह से रियासत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान की फायरिंग से प्रभावित गांवों के लोगों का हालचाल जानने के लिए जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीए मीर ने आज पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ सीमांत गांवों का दौरा किया। दौरे के दौरान कांग्रेसी नेता फायरिंग से मारे गए लोगों के घरों में भी पहुंचे और उन्हें सांत्वना भी दी। इस अवसर पर कांग्रेस पार्टी के राज्य अध्यक्ष जीए मीर ने कहा कि सीमा पर फायरिंग से प्रभावित लोगों को राहत देने के लिए सरकार पूरी तरह से विफल हो चुकी है। आज इन लोगों को ना तो खाने के लिए कुछ मिल रहा है और ना ही रहने के लिए कोई जगह। उन्होंने कहा कि 2014 के चुनाव के समय भाजपा ने लोगों से बड़े बड़े वायदे किए थे। पिछले दो दिन से लगातार ये जो पिछले एक हफ्ते से बॉर्डरों पर हालात उत्पन्न हुए हैं, जिससे काफ़ी सिविलियंस की जाने गई, फौजियों का भी नुकसान काफ़ी हुआ है। ये बहुत ही बदकिस्मत, और इसको हम बदकिस्मती ही कहेंगे। 2014 में जिस बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी और उनके चीफ कंपेनर ने जो बुलंदबांग दावे किए थे कि मेरी 56 ही छाती है, कोई मेरी तरफ देखेगा तो आंख निकालूंगा, आज 4 साल पूरे होने के बाद में यही हम जम्मू कश्मीर वाले महसूस कर रहे हैं कि जो 1972 से लेकर 2014 तक जो सीज़ फायर वायलेशंस या उसके साथ जो जानी नुकसान, माली नुकसान हुआ है, उससे 100 times ज़्यादा इन 4 सालों में। मगर जो सरकारें सेंट्रल और स्टेट लोगों के जान माल को ही तहफ़ देने में फेलियर हो चुका है, उस सरकार को तो हम सरकार नहीं समझते, नॉन एग्जिस्टेंट ऑन ग्राउंड। जिन लोगों ने इन सारे बॉर्डर इलाकों से लोगों को लुभा करके वोट भी लिए, कम से कम इंसानी हमदर्दी के लिए इन मुसीबत के टाइम पर उनके बीच में जाते। और जो हम कल से देख रहे हैं, हम करीब 2 दर्जन एग्जैक्ट 0 point बॉर्डर तक हो के आए, और लोगों का सबसे बड़ा दुख यही है कि कम से कम कोई हाल पूछने नहीं आए। अस्पतालों में जा रहे हैं तो डॉक्टर नहीं, दवा नहीं है। 2014 के पार्लियामेंट और फॉलोड बाई असम्बली इलेक्शन में जो उनने वादे किए थे, जो सब्ज़ बाग दिखाए थे, और वो सब्ज़ बाग दिखा के हमारे मासूम लोगों को दिन दिहाड़े लूटा उन्होंने। जैसे उनने 15 lakh चुनाव के बाद आपके अकाउंट में आएगा, जिस किसी के पास 15 rupees भी था वो भी निकाल के ले गए, उसी तरह के वादे कर कर के लोगों को लुभाया। मगर आज लोगों को समझ आ रही है कि वो सारे जुमले थे। तो ये नाइंसाफ़ी वाले स्टेप्स जो ये सरकार दिखा रही है सेंटर और स्टेट मिल कर के, हम इसको कंडेम करते हैं। डॉक्टर जितेंद्र जी, वो तो शुगर के पेशेंट है जी, जी, और शुगर के पेशेंट को शुगर का इलाज करना चाहिए जी, जी। अब इस तरह के हादसात में जो इसमें मुलव्वस हो रहे हैं, जो अस्पतालों में पहुंच रहे हैं, वो पेशेंट जानते हैं उनके साथ क्या हश्र है। दावे तो वो बड़े बड़े करते हैं, इंटरनेशनल लेवल के दावे, बोल चाल में उनका कोई जवाब नहीं। मगर ज़मीनी लेवल पर जब हम अस्पताल में देख रहे हैं, जब हम रिलीफ में देख रहे हैं, अभी मुझे काफ़ी दुख लगा, अरनिया में कुछ यंग नौजवान हैं, अपने आप उन्होंने सेल्फ हेल्प से रिलीफ कैंप चलाए, हमने उनका अप्रिशिएट किया। सरकार तो बिल्कुल इनविजिबल है, पटवारी कहीं नहीं लोगों के बीच में, मजिस्ट्रेट तो दूर की बात है, मंत्री तो दूर की बात है। हम लगातार एक हफ्ते से हमारा पूरा टीम, बल्कि ज्वाइंट अपोजिशन, पूरे हाउस में इन चीज़ों को जवाब मांग रहे हैं। मगर ये गूंगी सरकार है जो एक भी लफ्ज़ इस पर नहीं बोल पा रहे, जो जाने चली गई, जो नुकसानात हुए, एक स्टेटमेंट भी देने के लिए हाउस में तैयार नहीं है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसी से उनकी गंभीरता पता चलती है कि वो लोगों के जान माल के लिए कितना गंभीर है। और वो लोग देख रहे हैं, हाउस की कार्रवाई भी सब आजकल देखते हैं, अपोजिशन का क्या उसमें रोल है, रूलिंग पार्टी क्या कह रही है। तो ये तो खाली एक पोलराइजेशन का सहारा लेकर तैयार बैठे हैं कि फिर कहीं पर आपस में दो ग्रुपों को लड़ाएंगे और उसमें जीत करेंगे, मगर परफॉर्मेंस के आधार पर देखेंगे, ये कोलेशन कहीं पर भी नहीं। पंचायती चुनाव सरकार करवाने जा रही है, तैयारियां भी हो चुकी हैं, तो इसके ऊपर कांग्रेस की क्या रणनीति? शायद उसी लिए ये स्वागत भी करवा रहे हैं, क्योंकि रियासत की इंटरनल पहले सिचुएशन असेस करना ये रियासत और सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है।
अभी तक तो हमें खुशी थी कि चलो जम्मू प्राविंस कम से कम नॉर्मल है, शांत है, यहाँ पर अच्छा चुनाव हो जाए जमहूरी तरीके से, और बाद में कश्मीर की भी बात देख लेते, वहाँ तो इससे भी ज़्यादा ख़राब हालत है। जो सरकार एक लोकसभा सीट चुनाव नहीं करा पाई, एक दिन पोलिंग से पहले भाग गई, आज 9 महीने गुजरने पर वो 10 बार लिख चुके हैं सिचुएशन नॉट कंड्यूसिव। हमें हैरानगी हुई कि एक सीट फिलअप करने में सिचुएशन नॉट कंड्यूसिव, मगर 34,000 वैकेंसीज भरने के लिए जिसमें 1.5 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट्स का आने का संभावना है, और उसके लिए उनको कहाँ से सिचुएशन कंड्यूसिव दिख रही है, यह हैरानगी की बात है। बहुत बदकिस्मती है, मैं कहना नहीं चाहता हूँ, जब ये अपोजिशन में थे, जब हमने 73rd अमेंडमेंट्स को जम्मू कश्मीर में लागू करने की बात रखी और पंचायतों को ज़्यादा पावर्स देने की पॉलिसी रखी, उस वक्त तो ये बड़ा ऐसे चला रहे थे जैसे यही अकेले देशभक्त है। आज भारतीय जनता पार्टी ने उन पंचायतों को क्या तहस नहस किया, इवन सरपंच आप डायरेक्ट नहीं अपॉइंट कर सकते, और जो सरपंच डायरेक्टली अपॉइंट नहीं आएगा, वन अमंग द पंचेज आएगा, उसकी अनसर्टनिटी 5 साल कितनी रहेगी वो आप भी बेहतर समझ सकते हैं। तो दैट मीन्स जो कुछ पावर्स पंचायतों के पास थे उसको भी रिवोक किया, और ये उन्होंने नेशनल इंटरेस्ट में किया। उनका नेशनल इंटरेस्ट यही है, हम नेशनल इंटरेस्ट में लोअर यूनिट्स को मतलब मजबूत करना चाहते थे, ताकि लोगों को जितना नज़दीक से नज़दीक हुकूमत मिल जाए, हुकूमत के फायदे मिल जाए उतना अच्छा है, मगर इन्होंने उसको रिवोक किया। पीडीपी कहती है मिलिटेंट जो है हमारे भाई हैं, वो देखो अब वो बीजेपी उसका जवाब दे सके, इनके चचेरे भाई हो सकते हैं, उनके अगर भाई हैं तो इनके चचेरे भाई हैं। कठुआ से मोहन शर्मा, अलर्ट इंडिया न्यूज़।